इस समय परम सौभाग्य है और आज का बहुत ही शुभ दिन है कि सामने जो आप देख रहे हैं ये पावन गंगा जी हैं जो कल कल करके बहती हुई हरिद्वार से चलकर यहाँ बिठूर जो बहुत ही पौराणिक और ऐतिहासिक स्थान है और जहाँ साक्षात ब्रह्मा जी की खूंटी जो खूंटी के रूप में ही संबोधन है वो यहाँ पर स्थापित है और मान्यता है, पौराणिक मान्यता है कि यहीं से मानव इतिहास का श्री गणेश हुआ, मानव इतिहास यहीं से प्रतिपादित हुआ और इसी पुण्य जगह पर आदि काल में श्री वाल्मीकि जी ने घोर तपस्या की और आगे चलकर प्रभु राम जी ने जब सीता जी का प्रत्याग किया तब माँ सीता जी ने यहीं पर वाल्मीकि आश्रम में निवास किया और यहीं पर लव कुश का अभ्युदय हुआ और यहीं पर पावन ग्रंथ रामायण की रचना और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बिठूर का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है। 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम भारतीयों के द्वारा जो किया गया था उसमें पूरे देश में अगर कोई राजनीतिक और कूटनीतिक घटनाओं का कोई भी अगर केंद्र बिंदु था तो बिठूर था। बिठूर को हम हमेशा के लिए अमर तत्व के रूप में याद करते रहेंगे और यहीं से वो ऐसी चिंगारी 1857 में ऐसी चिंगारी का अभ्युदय हुआ कि आगे चलकर 1947 में वह भारत के स्वतंत्रता के रूप में परिणित हुई। उसका केंद्र बिंदु बिठूर ही था। उस स्वतंत्रता संग्राम के जितने भी महान कार्य 1857 में हुए उस समय 1857 के महान स्वतंत्रता संग्राम में श्री तात्या टोपे, नानाजी पेशवा और महारानी लक्ष्मीबाई जी का ये विशेष राजनीतिक व कूटनीतिक तथा योजना संबंधी विशेष गढ़ रहा है और यहीं से वो अलख जगी, वो ज्योति जली जिसने 1947 में। अब मैं उस पावन और दिव्य स्थान पर मौजूद हूँ। आप सामने जो स्थान देख रहे हैं वही ब्रह्मकुटी के नाम से हमारे पुराणों में और हमारे पौराणिक ग्रंथों में इसकी महिमा मंडित की गई है। पंडित जी महाराज, आपका शुभ नाम क्या है? रामजी उपाध्याय जी। उपाध्याय जी साहब, जरा इसके महत्व और इतिहास के बारे में थोड़ा हमें जब विस्तृत जानकारी दीजिए। ये मानव सृष्टि केंद्र बिंदु है बाबू। अच्छा, मानव सृष्टि केंद्र बिंदु जहाँ से ब्रह्मा जी ने यहीं पे बैठ के पूरी पृथ्वी का परिक्रमा करने के बाद भगवान विष्णु के आदेशानुसार यहीं पे बैठ के 99वें बार उन्होंने यज्ञ किए। जब 99वें बारहवीं यज्ञ पूरी हुई है उसी यज्ञ से राजा मनु उत्पन्न हुए। मनु के आदेश ऋषि रानी सतरूपा जिनसे भाई श्रेष्ठ रूपा। भारत में 9 आरण है, ये प्रथम आरण है उपलारण क्षेत्र। बद्रिकारण, दैवसारण, द्वारिकारण, चंडिकारण, दंडिकारण, इसी प्रकार के प्रथम आरण है उत्पलारण क्षेत्र। इसका भागवत में भी लिखा है, इसका नाम बृहस्पतिपुरी। इस तीर्थ के 4 नाम है। सबसे प्रथम नाम उत्पलारण, दूसरा नाम बृहस्पतिपुरी, तीसरा नाम ब्रह्मावर्त, चौथा नाम ये सामने लिखे हुए हैं। ये तीर्थ 4 नामों से जाना जाता है और यहाँ ब्रह्मा जी की चरणों की पूजा है और पुष्कर राजस्थान में प्रतिमा की पूजा है। पूरे भारतवर्ष में ब्रह्मा जी के नाम की सिर्फ 2 ही मंदिर है, वहाँ प्रतिमा पूजा है, यहाँ ब्रह्मा कुटी है, यहाँ ब्रह्मा जी की खड़ाओं की कील है, यहाँ ब्रह्मा जी की चरणों की पूजा। अच्छा, और लव कुश जी का भी महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम है चुंगी बैरियल के पास में। अच्छा, जहाँ लव कुश का जन्म हुआ है जी। और गंगा जी के उस पार 6 किलोमीटर पे पंजल गांव है। स्वतंत्रता संग्राम में बिठूर का क्या योगदान रहा? रानी लक्ष्मीबाई, नाना राव, बाजीराव पेशवा, तात्या टोपे सब बिठूरी के थे। यही तो बुगुल बजा था। यहाँ पर किला बना हुआ था, आज भी बना। पेशवा जी का? हाँ, पेशवा जी का। वो किला अंग्रेजों के द्वारा जलाया गया, जलाया गया। अब तो वहाँ नया निर्माण सब हो गया, अब तो स्मारक बना दिया। अच्छा, स्मारक पुराना, बस आज भी थोड़ा दिखता। और यहाँ आपके इस घाट पर कोई विशेष अभी निर्माण नहीं दिखाई दे रहा है बाबू। सरकार हमारी
बिछूर में एक दफे प्रधानमंत्री जी आ जाए तो कुछ बिछूर का भी कल्याण हो। तो आप लोग आवाज उठाइए। हम लोग तो मोदी योगी जी आए थे, आवाज उठाई जी, थोड़ा बहुत काम हुआ है। हुआ है काम, मतलब इस सरकार ने कुछ कराया, ऐसी बात नहीं कराया योगी जी, लेकिन अभी और होने की आवश्यकता है। अभी नहीं हुआ, थोड़ा सफाई पे सभी लोग ध्यान दें तो बहुत अच्छा रहेगा। नमाम गंगे के यहाँ 30 लेबर पड़े हैं। अच्छा, पड़े हुए हैं, लेकिन बाबू सब ऐसा है आज क्या। लेकिन ये घाट आपका आदिकाल का है, ये मानो बिछूर का मेन घाट है, पर यहाँ 52 घाट है। 52 गढ़ के राजाओं अपना एक घाट बिछूर में बनवाया था। अच्छा, तो ये प्रथम घाट है, ब्रह्मावत बिछूर का मेन घाट है, यही मंदिर है ब्रह्मावत बाबा का। और सामने ही ये ब्रह्मकुटी देखिए, जो स्थान जो चिन्ह उंगली से जो चिन्हित कर रहे हैं पंडित जी, वही ब्रह्मकुटी है। और यही यहाँ ये माना जाता है कि पृथ्वी का मूल स्थान, मूल दिव्य स्थान यहीं पर है। दिस इज सेंटर ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता भी है इसकी बाबू, इसको गूगल पे डालेंगे तो सेंट्रल पॉइंट की मान्यता भी आएगी। अच्छा, श्री उपाध्याय जी, आपने अपने व्यस्ततम समय में हमको बहुमूल्य जानकारी दी ऐतिहासिक और पौराणिकता के बारे में, बिठूर के बारे में, जो कम ही लोगों को जानकारी है। आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और सदा आप इसी तरह जन सहयोग करते रहें, और प्रकृति का और प्रकृति और पेड़ पौधों का भी बड़ा ध्यान रखिए पंडित जी। आपने कोई पौधा लगाया है? लगाया है पौधा, हम लोग हर साल पौधा लगाते हैं। किसका पौधा लगाया है आपने? संघ वालों के साथ में भी बट वृक्ष का पेड़ लगाया, अशोक का पेड़ लगाया। हाँ, पेड़ तो अपने घर के पास लगाया। बहुत अच्छा, इसी तरह प्रकृति से जुड़े रहिए, जन जागरण करते रहिए। आपको बहुत बहुत साधुवाद। इस समय मैं वो पावन स्मारक, पावन भवन के सामने मौजूद हूँ जो नाना राव पेशवा साहब का किला था, और जिसको जनरल हैवलॉक ने 15 जुलाई 1857 को इस पे कब्जा करके और इसमें बेदर्दी से आग लगवा दी थी। ये वो महान इमारत है, महान बिल्डिंग है और महान स्मारक है, जो हमें उस प्रेरणा को जागृत, जो आज भी हमें प्रेरणात्मक संदेश और अमर कहानी की याद दिला रहा है। ये स्थान नाना साहब पेशवा, श्री टाट्या टोपे और श्री रामचंद्र पांडुरंग और रानी लक्ष्मीबाई जी की महान गाथाओं से यहाँ का एक एक ईंट, एक एक पत्ता भरा हुआ है, और इसको वर्तमान समय में एक विस्तृत पार्क के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, और यहाँ पर एक विशेष संग्रहालय भी बनाया गया है। मैं आपको अंदर ले चल रहा हूँ, जहाँ महारानी लक्ष्मीबाई जी की बहुत ही दिव्य मूर्ति लगी हुई है, और लक्ष्मीबाई जी का विवरण लिखा है। जन्म 19 नवंबर 1835, स्थान बनारस, 4 वर्ष की अवस्था में पिताजी के साथ पेशवा महल बिठूर वो आ गई थी। मनुबाई की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा नाना साहब जी के साथ हुई। 16 वर्ष की अवस्था तक आते आते मनु ने अश्वरोहण, अस्त्र शस्त्र चलाने में व युद्ध कला में महारत हासिल कर ली। 1849 में झांसी के राजा गंगाधर राव जी के साथ उनका विवाह हुआ, और तब से उनका नाम परिवर्तित हो गया और वो रानी लक्ष्मीबाई कहलाई। 19 जून 1858 को मैं ग्वालियर की धरती पर ऐतिहासिक युद्ध हुआ। इस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई जी ने वीरता दिखाई, उससे अंग्रेज सैनिकों के छक्के छूट गए, लेकिन इस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई जी गंभीर रूप से घायल हो गईं। उनके विश्वासी सिपाही उन्हें सहारा देकर बाबा गंगादास जी की कुटिया में ले गए, वहीं पर उन्होंने अंतिम सांस ली और वहीं उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। जीते जी वह अंग्रेज हुकूमत के हाथ नहीं आई। ये अंदर काफ़ी अब इस स्थान को सुंदरता दी जा रही है और इसको दिव्य बनाया जा रहा है। वास्तव में ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। बहुत बहुत धन्यवाद।